जम्मू के बिश्ना क्षेत्र में सरकार द्वारा बस सेवा का उद्घाटन किया गया। बिश्ना क्षेत्र के गांव कोटली, नौग्राम, पिपतीपुर के लोगों की पिछले कई सालों की मांग आज पूरी हुई। यहां के लोग पिछले कई सालों से सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके इलाके में बस सेवा शुरू की जाए, जो कि कुंजवानी से होते हुए जम्मू पहुंचे। इस सेवा के शुरू होने से विद्यार्थी समय पर स्कूल व कॉलेज पहुंच सकेंगे और गांव के लोगों को भी बस पकड़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बिश्ना क्षेत्र के कई पंचायतों के पंच सरपंच भी मौजूद थे, जिन्होंने इस सेवा को शुरू करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। आज जहां पे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की गाड़ी यहां पे दोबारा रिन्यू आई है, यहां पे मैं जहां की पंचायत एसोसिएशन नौग्राम की तरफ से इन्होंने इतनी जद्दोजहद की है कि अपने एरिया के लिए आरटीसी बस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और पिछले करीब करीब 30 साल से यहां पे इस रूट के ऊपर आरटीसी की बस नहीं चल रही थी, और इन्होंने इतनी जद्दोजहद की है और मैं इनको मुबारक भी दूंगा कि इन्होंने अप्रोच किया हायर अथॉरिटी को और हायर अथॉरिटी ने इनकी बात सुनी, और आज वो दिन मिला कि जिससे पूरे इस रूट को फ़ायदा होगा। इन्हें मी बुलाए थे, मैं इनका शुक्रिया अदा करना। इन्हें गड्डी लाई, ये कम से कम 3-4 पंचायत जिन्हें कोटली, नौग्राम, पृथ्वीपुर, ये कोई 30-40 साल के बाद ये गड्डी लगी। कम से कम इतों जाना हो 10-15 किलोमीटर खुजवानी पैदल जाने पड़ता। अस इनका शुक्रिया अदा करने इस पंचे सरपंच, इन्हें कंधे कंधे कंधा मिलाइए, जिन्हें वोट दिते उन्हें भी कन्ने लाया इन्हें, तो कंधे ने कंधा मिलाइए तो इन्हें एक गड्डी लाई। अस इनका शुक्रिया अदा करने।